अस्सलाम वालेकुम सीनियर थ्री, आई एम असमा सरफराज, योर कंप्यूटर टीचर। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू आवर फर्स्ट टर्म सिलेबस। फर्स्ट टर्म में हम अपने फर्स्ट थ्री चैप्टर्स पढ़ेंगे। फर्स्ट थ्री चैप्टर्स में सबसे पहले आ जाएगा आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग, ओके। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आ जाएगा बाइनरी सिस्टम, एंड द थर्ड वन इज नेटवर्क्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। आज हम देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग होता क्या है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे पहले हम करेंगे अपनी एक प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, फिर प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे, फिर उसको डिफाइन करेंगे कैंडिडेट सोल्यूशन को, और फिर सेलेक्ट करेंगे बेस्ट सोल्यूशन। सबसे पहले आपको पता है, आपको कोई भी आप काम करें, आपको कोई हर्डल आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करते हो। आपको सबसे पहले क्या चीज़ पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम है क्या। जब तक आपको प्रॉब्लम का पता नहीं होगा, आप उसका सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकोगे। तो फर्स्ट थिंग इज प्रॉब्लम। सबसे पहले प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करो, फिर उसके बाद अंडरस्टैंड करने के बाद आपको जब प्रॉब्लम ठीक तरीके से समझ आ गया, तो फिर आप उसका सोल्यूशन प्लान करोगे। सोल्यूशन प्लान करने के बाद आप क्या करोगे, आप उस सोल्यूशन को इंप्लीमेंट करोगे। सोल्यूशन जो से आपके कई तरह के आपके दिमाग में आएंगे, फिर आप देखेंगे इसमें से सबसे बेस्ट सोल्यूशन कौन सा है, आप उसको इंप्लीमेंट करोगे। अगर वो सोल्यूशन बेस्ट नहीं है, फिर आप क्या करोगे, आइटरेटिव प्रोसेस चल जाएगा। आप दोबारा से वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन को परफॉर्म करोगे, कई और सोल्यूशन आप अपने माइंड में ले आओगे, फिर उसको आप परफॉर्म करोगे, और जो बेस्ट सोल्यूशन होगा फिर वही उस प्रॉब्लम का ठीक सोल्यूशन होगा। ठीक है, सबसे पहले अब हम देखते हैं प्रॉब्लम होती क्या है। अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज द वन दैट डज नॉट कंटेन एम्बिग्विटी। आप वेल डिफाइंड प्रॉब्लम सबसे पहले क्या चीज़ होती है, जिसके अंदर एम्बिग्विटी नहीं होती। एम्बिग्विटी मीन्स रेपिटेशन नहीं होती, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होती। एक प्रॉब्लम है, अगर आपको उस प्रॉब्लम के अंदर भी कन्फ्यूजन है कि ये प्रॉब्लम है या ये प्रॉब्लम है, अगर आपके पास या का वर्ड आ गया, तो मतलब आपको उस प्रॉब्लम का पता नहीं है। और जब तक प्रॉब्लम का पता ही नहीं होगा, सोल्यूशन कैसे आएगा आपके पास। ऑल द कंडीशंस आर क्लियरली स्पेसिफाइड एंड इट हैज़ अ क्लियर गोल, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व। जितनी भी अब सबसे पहली चीज़ आपके पास प्रॉब्लम है, उसके अंदर एम्बिग्विटी नहीं है। आपके पास एम्बिग्विटी नहीं होगी, आपको क्लियर गोल पता होगा, आपने कैसे उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को अचीव करना है, ओके। पहले क्या होगा, गिव अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सबसे पहले हमारे पास एक क्लियर प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ जाएगी। वी नीड टू सी वेदर द प्रॉब्लम इज डिफाइंड वेल और नॉट। सबसे पहले हम देखेंगे वो प्रॉब्लम जो सी है वो सही तरीके से डिफाइंड है भी या नहीं। इफ द प्रॉब्लम इज नॉट डिफाइंड वेल, देन वी कैन सी यूज वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी टू डिफाइन द प्रॉब्लम। फिर हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज को अप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास डिफाइंड प्रॉब्लम जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, फिर हम क्या करेंगे, डिफरेंट तरीके उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ताकि हमें हमारे पास ठीक तरीके से प्रॉब्लम आ जाए। सबसे पहले क्या चीज़ आ जाएगी, प्रॉब्लम को फाइंड करने के मेथड जो से हैं। पहला मेथड है गेन बैकग्राउंड नॉलेज। बैकग्राउंड नॉलेज में क्या होगा, वी ट्राई टू नो द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसिस इन विच द प्रॉब्लम इज हैपनिंग। सबसे पहले हम सिचुएशन को देखेंगे कि ये प्रॉब्लम कहाँ पे टेक प्लेस हुई है। इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई द गिवन स्टेट, इट आल्सो हैव टू नो व्हाट अ गुड कंडीशन सिचुएशन सोल्यूशन विल लुक लाइक, हो वी शैल बी एबल टू मेयर द सोल्यूशन। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, प्रॉब्लम को देखेंगे। प्रॉब्लम को देखने के बाद हम उसका बैकग्राउंड सोल्यूशन बैकग्राउंड नॉलेज देखेंगे कि ये प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई। जब तक आपको किसी भी प्रॉब्लम का बैकग्राउंड पता नहीं होगा, आप उसको इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकोगे। आपने बैकग्राउंड का नॉलेज ले लिया, फिर क्या करोगे, यूज़ गैसेस, गैस यूज़ करोगे। वी ट्राई टू गैस द अननोन इन्फॉर्मेशन टू अप्रोप्रिएट गैसेस। हम गैस लगाएंगे, और गैस किस बेस पर लगाएंगे, हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस की तरफ देख के कि हमारा गैस जो सा है वो हमारी प्रॉब्लम जो सी है वो बैकग्राउंड से ये हो सकती है या ये हो सकती है, या हम अपना गैस भी लगा सकते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक पिक्चर ड्रा करेंगे। इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट वेल डिफाइंड, वी कैन ड्रा पिक्चर एंड फिल द अनडिफाइंड इन्फॉर्मेशन। हम एक पिक्चर ड्रा कर लेंगे कि अपने माइंड में पिक्चर ड्रा कर लेंगे, प्रॉब्लम जो सी है हमारे पास इस तरीके से भी आ सकती है या इस तरीके से भी आ सकती है। तो प्रॉब्लम को डिफाइन करने के हमने थ्री मेथड देखे हैं। एक है गेन बैकग्राउंड नॉलेज, बैकग्राउंड नॉलेज लेते हैं या गैस यूज़ करते हैं, या गैस यूज़ करने के बाद हम क्या करते हैं, उसकी अपने माइंड में एक पिक्चर बना लेते हैं, ओके। अब हमने प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया,
अब हमने क्या करना है, उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड भी करना है. अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर जंपिंग इनटू सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम हमने देखी, अब हमने जब हमने इसके सॉल्यूशन की तरफ जंप करना है तो हमें पता होना चाहिए कि हमने प्रॉब्लम को पहले कैसे अंडरस्टैंड करना है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑडिटेड और अ पजल कैन बी आंसर्ड ऑनली आफ्टर क्लियर अंडरस्टैंडिंग. एक आपके पास पजल गेम आपको दे दी गई है, तो पजल गेम को आप किस तरह से सॉल्व करते हो, जब तक आपको उसका ठीक तरीके से प्रॉब्लम का पता नहीं होगा, उसका सोल्यूशन फाइंड नहीं कर पाओगे. अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम मेक इट इजियर टू सॉल्व एंड हेल्प टू सेव मनी टाइम एंड रिसोर्सेज. आपको प्रॉब्लम का ठीक तरीके से क्लियर तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी तो उसे क्या होगा, आपके मनी भी सेव होंगे, टाइम भी सेव होगा, रिसोर्सेज भी सेव होंगी. अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम यूजली इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन ऑफ 5 W's. अब किसी प्रॉब्लम को आपने ठीक तरीके से फाइंड करना है तो आपको 5 W's के बारे में पता होना चाहिए. वट आर दीज 5 W's? दीज आर वट, कि प्रॉब्लम क्या है, हु कौन सी प्रॉब्लम है, व्हेन कब प्रॉब्लम टेक प्लेस हुई थी, वेयर कहाँ पे प्रॉब्लम आई, एंड व्हाई और क्यों प्रॉब्लम आई. ओके, प्रॉब्लम एनालिसिस इज द प्रोसेस टू फिगर आउट दीज 5 W's. ये 5 W's हमें किस तरह से मिलते हैं, प्रॉब्लम को एनालाइज करने के बाद फ्रॉम अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट. प्रॉब्लम एनालिसिस हैव टू अंडरस्टैंड अ गिवन प्रॉब्लम. दीज आर द बेसिक एलिमेंट विच लीड टूवर्ड्स द सोल्यूशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम. फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉब्लम, मैं आपको बताती हूँ आपने एक प्रॉब्लम है उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है. सबसे पहले हम ये देखेंगे, सपोज योर क्लास टीचर असाइन यू आर टास्क टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास इन स्कूल हुज नेम स्टार्ट विद लेटर ए. सपोज करिए मैंने आपको, एक टीचर ने आपको टास्क दिया है कि आपकी क्लास में स्कूल में स्टूडेंट्स हैं, आपने उन स्टूडेंट को फाइंड करना है जिनके नेम ए से स्टार्ट होते हैं. द लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर एन अल्फाबेटिक डायरेक्ट्री ऑफ ऑल स्कूल स्टूडेंट एंड देर इज ऑनली 1 week, और सिर्फ आपके पास 1 week है इस टास्क को कम्प्लीट करने के लिए. टास्क क्या है कि आपने पूरे स्कूल में से उन स्टूडेंट्स के नेम फाइंड करने हैं जिनके नेम ए से स्टार्ट होते हैं, और ये टास्क आपने कम्प्लीट करना है 1 week में. आप क्या करोगे, एनालाइज करोगे 5 W के जरिए. अब 5 W के जरिए आप इस प्रॉब्लम को कैसे एनालाइज करोगे, पहले आप देखोगे वट, आपको टास्क क्या दिया गया है. ठीक है, टास्क आपको दिया गया है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट नेम्स स्टार्टिंग विद लेटर ए, कि आपने उन स्टूडेंट के नेम फाइंड करने हैं जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है. ठीक है, हु फाइंड किसको करना है, स्टूडेंट्स को. व्हाई क्यों, टू प्रिपेयर द डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट, एक आपने उसकी एक डायरेक्टरी तैयार करनी है, एक लिस्ट तैयार करनी है. व्हेन कब करना है ये टास्क, विद इन अ वीक. वेयर कहाँ पर करना है, स्कूल में. ठीक है, ये 5 W से आपने प्रॉब्लम को एनालाइज कर लिया है. ओके, नेक्स्ट देखिए फिगर, ये फिगर आपकी बनाई गई है 1.2. इसमें देखें शोज द मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम वेयर द रेड लाइन प्रेजेंट अ प्रॉब्लम. रेड लाइन में आपको प्रॉब्लम बताई जा रही है. येलो लाइट रिप्रेजेंट इट्स एनालिसिस, येलो लाइट में हमने एनालाइज किया है 5 W के जरिए. और ग्रीन जो लाइट है उसके जरिए हमने क्या बता दिया, उसका सोल्यूशन बता दिया. ठीक है, तो प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए, इसके सोल्यूशन के लिए हमारे पास क्या चीज़ चाहिए है, 5 W's चाहिए, व्हाट हु व्हाई व्हेन वेयर. ओके, आज के लिए हमारा इतना टॉपिक काफ़ी है. आज हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, टुडे वी हैव लर्न डैट व्हाट इज प्रॉब्लम, ठीक है, और किस तरह से हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, ये चीज़ हमने देखी है. प्रॉब्लम को डिफाइन करने के 3 मेथड देखे हैं, जिसमें आ जाता है गेम, बैकग्राउंड नॉलेज, यूज गैसेस, जॉब पिक्चर. नेक्स्ट में हमने देखा है प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, एनालाइज कैसे करते हैं, तो वो हम करते हैं थ्रू 5 W's, व्हाट हु व्हेन वेयर, 5 W's के जरिए. ओके, ये 2 questions हमारे हो गए हैं आज. फर्स्ट क्वेश्चन जो उनसे है वो हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन में. ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो स्टेप्स हैं, एक ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास. ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्या किया, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, एनालाइज कैसे करते हैं थ्रू 5 W's, एक ये क्वेश्चन किया हमने. ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस को आपने अच्छी तरह से लर्न करना है और अपनी कॉपीज पे राइट करना है. ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.